जनाब जरा जल्दी से बता दीजिएगा कि हमने लास्ट टाइम जो है वो एम्फीबियंस यानी फ्रॉग की रेस्पायरेशन पढ़ लिया था, तो आज हम बर्ड्स का पढ़ना हमने। कहा है जी सब है जी कब नो, मतलब नो का मतलब क्या है, क्या पढ़ा था लास्ट टाइम? लाइबा ने बोला नो। लाइबा बताओ भाई क्या पढ़ा था फिर? रेस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग। हाँ तो वही बताते हो ना, रेस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग पढ़ लिया था, तो रेस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ बर्ड्स पढ़ना ना, वही बात है ना। अच्छा जी मैं मैसेज कर रहा हूँ, आपको याद रहेगा एमसीक्यूज जो अब आपके आएंगे फ्रॉम चैप्टर नंबर 10 का रिमेनिंग पार्ट। ठीक है, मैं मैसेज कर दिया है सबको। फिलहाल जो लोग इस वक्त तक मीटिंग में हैं वो पढ़ लीजिए कि आपका जो जुम्मे को मेरा जो टेस्ट आ रहा है ना एमसीक्यूज का ऑनलाइन, तो उसमें आपके पास जो टेस्ट होगा वो चैप्टर नंबर 10 का रिमेनिंग पार्ट जितना भी है उसमें से होगा। ठीक है, और हम अभी डिस्कस करते हैं जी रेस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ बर्ड्स। एक अच्छा बड़ा सिस्टम मौजूद है और एक्सक्लूसिवली लंग्स ब्रीदर है हमारा बर्ड, इनमें लंग्स मौजूद होते हैं और लंग्स भी बहुत हाई फाई है, कोई आम से लंग्स या आम नहीं है बल्कि मॉडिफाइड है, और उनमें हम देखेंगे क्या मॉडिफिकेशन है। तो रेस्पायरेटरी ट्रैक की पहले बात करें तो नरेज, नरेज कहते हैं जो नाक का बाहर वाला हिस्सा है ना, एक्सटर्नल नरेज और इंटरनल नरेज, नाक के सुराखों को नरेज कहा जाता है। एक्सटर्नल नरेज आर अ पेयर ऑफ स्लिट लाइक ऑब्लिक ओपनिंग लाइंग एट द बेस ऑफ द अपर बीक। तो चोंच के जो ऊपरी हिस्सा है, ठीक है ना, ये हमारी अगर चोंच है तो इस चोंच का यहाँ से हेड शुरू होता है बर्ड का, तो इस जगह पर आपको दो निशान नजर आते हैं, ये उसकी एक्सटर्नल नेरेज हो बाहर के। नॉस्ट्रल हम कहेंगे जब हमारे एम्फीबियंस में बात करेंगे ना उसमें, और इसमें या आगे हम उसको नरेज भी कहेंगे। ठीक है, दीज नरेज लीड इनटू नेजल सैक, और आगे इसके अंदर की तरफ नेजल सैक होगा, छोटा होगा हमारी तरह जैसे नाक है ना हमारा बाहर, तो बड़ा एक नेजल कैविटी रखता है, लेकिन बर्ड्स में ये नेजल सैक छोटी सी कैविटी होती है जिसको थैली, सैक माने होता थैली, विच ओपन डायरेक्टली इनटू द फैरिंक्स बाय इंटरनल नरेज, और अंदर की तरफ नरेज है जो के इनकी फैरिंक्स में जाके ओपन होता है। फैरिंक्स से हमारी ट्रैकिया शुरू हो जाती है। ट्रैकिया लॉन्ग सिलेंड्रिकल एंड फ्लेक्सिबल ट्यूब, इट एक्सपेंड इनटू अ सेरिंक्स जो उनकी साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन था, वहाँ से एक्सटेंड होते होते एंड देन बाइफर्केट इनटू टू शॉर्ट ब्रोंकियाई। तो यहाँ पर हमें ये जो गला एक ही होता तो एक ही आगे बढ़ रही होती है हमारी ट्रैकिया, और ट्रैकिया आगे बढ़ने के बाद फिर बाइफर्केट हो जाती है, बाइफर्केट मारे दो हिस्सों में यूं करके। तो जब तक एक है जब तक ये ट्रैकिया कहलाता है, और आगे जाकर ये इसको हम ब्रोंकियाई का नाम भी दे देते हैं जब ये दो हिस्सों में शॉर्टली डिवाइड हो। ईच ब्रोंकियस इंटर इन द लंग्स ऑफ इट्स ओन साइट एंड डिवाइडेड एंड री डिवाइडेड इन टू पैरा ब्रोंकियाई, और ये फिर जाकर आगे फर्दर डिवीजन करता रहता है। ठीक है ना, ये लंग्स में चला गया, अब लंग्स में जाने के बाद फिर इसकी बहुत सारी डिवीजन होती चली जाती है, एक नहीं दो नहीं हजारों की तादाद में ये आगे जाकर बहुत सारी ब्रांच बनाता चला जाता है। इन ब्रांचेस को पैरा ब्रोंकियाई का नाम हम देते हैं बर्ड्स में, ब्रोंकियोल्स कहेंगे हम अपने ह्यूमन के अंदर। ठीक है जी, लंग्स इसके छोटे हैं, कॉम्पैक्ट हैं, इनइलास्टिक बॉडीज हैं, और
स्टोर एयर करने के काबिल नहीं है क्योंकि इनके पास स्टोर एयर करने के लिए कुछ और मौजूद है। स्पंजी होते हैं, जैसे हमारे लंग्स हैं स्पंजी, इसके अंदर लिक्विड भरा होता है, लिक्विड फुल फ्लूइड होती है, और ये लंग्स का जो छोटा माइक्रो हिस्सा होता है उसको हम एयर सैक कहते हैं। यानी कि यहाँ पर आपको इनकी जो ब्रोंकियोल्स हैं, यानी कि जिनको हमने यहाँ पैरा ब्रोंकियाई कहा, वो जाकर छोटे छोटे से सैक में ओपन होती है, एक एक सिंगल, और उन्हें हम एयर सैक का नाम देते हैं। इन एडिशन टू अ पेयर ऑफ लंग्स, अ बर्ड हैज 8 to 9 थिन वॉल्ड नॉन मस्कुलर एयर सैक दैट पेनिट्रेट इन द एब्डोमेन, नेक एंड इवन द विंग्स। ये मैं भी आपको आगे जाके शक्ल दिखाता हूँ उनकी। तो यहाँ पर इनके पास एयर सैक या पैरा ब्रोंकियाई की तरह का एक और स्ट्रक्चर होता है जो बाकायदा तौर पर हवा की बड़ी थैलियाँ होती हैं और 8 to 9 इनकी तादाद होती है। ये इनके एब्डोमेन में, इनकी गर्दन में और इवन इनके विंग्स में भी होती है। ये हवा को सेव करने का काम भी करती हैं और हवा सेव होने की वजह से इनकी बॉडी को ज़रा वेटलेस भी कर देती है ताकि हवा में उड़ने में इनको आसानी रहे। एक तो मेटाबॉलिज्म करने के लिए ऑक्सीजन की अच्छी क्वांटिटी इनके पास हो, और दूसरा वजन कम करने के लिए या हवा बॉडी को हल्का करने के लिए हवा अंदर बॉडी के अंदर मौजूद रहे। इंस्पायरेशन एट रेस्ट, यानी जब ये बैठे हुए हैं, जब ये जो सांस ले रहे हैं तो उसमें ये नॉर्मल तरीका अपना रहे होते हैं। स्टर्नम इज लोअर्ड, स्टर्नम नीचे की तरफ, द एयर सैक एक्सपेंड एंड द लंग्स आर कंप्रेस्ड। और एयर सैक जो है वो एक्सपेंड होता है, फैलता है, और लंग्स कंप्रेस होकर ऑक्सीजन को अंदर दाखिल कर लेते हैं। एक मूव थ्रू नॉस्ट्रिल्स, ट्रैकिया एंड ब्रोंकियस इनटू द पोस्टीरियर एयर सैक्स, और हवा जो है वो अंदर की तरफ आ जाती है थ्रू द नॉस्ट्रिल, ट्रैकिया और ब्रोंकियस से होती हुई। यानी यहाँ से ऑक्सीजन गैस, ठीक है, ये ऑक्सीजन गैस अंदर दाखिल होती है और इस ट्रैक से गुजरती हुई यहाँ तक आ जाती है, ठीक है, यही ट्रैक है हमारे पास। और ट्रैक में गैस को अंदर लाना, एट द सम टाइम एयर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द लंग्स मूव टू द इंटीरियर सैक्स। अब जो पहले से अगर गैस यहाँ मौजूद है तो वो आगे की तरफ जो आ रही है वो उसको पुशअप करेगी और पुल करके आगे भेज देगी, तो अंदर जो इंटीरियर साइड पर जो सैक होंगे उनमें वो हवा भर जाएगी, ठीक है। ये मतलब पहले पूरी गैस को यानी ऑक्सीजन को भरा जाता है, इंटर किया जाता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को इसी ट्रैक से इसी तरह बाहर निकाला जाता है, इसीलिए हम उसको कहते हैं कंप्लीट वेंटिलेशन। इनकम्प्लीट वेंटिलेशन में हमारे पास जो है वो इस तरह का नहीं होता काम, और उसमें गैस और ऑक्सीजन आ भी रही होती है और कार्बन डाइऑक्साइड वापस आ भी रही होती है। एम्फीबियंस में हमें नज़र आता है, रेप्टाइल्स में, फिशेस में हमें ऐसा ही नज़र आता है काम, लेकिन बर्ड्स और मैमल में कंप्लीट वेंटिलेशन पाया जाता है। पहले ऑक्सीजन गैस पूरी अंदर आएगी और सैक्स तक पहुँचेगी, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेगी। ये आप देख लीजिए हमारा लंग्स कहाँ कैसे मौजूद है। ये ट्रैकिया है, ये सारेंग्स आ गया, ठीक है, ये इंटर क्लैविक्यूलर जो इसके स्टर्नम के ऊपर के हिस्सा होता है वहाँ पर, और बाजुओं में भी है न्यूमेटिक ह्यूमरस खाली, जो इसकी बोन होती है, उन्हें पढ़ा ना कि इसकी बोन जो होती है न्यूमेटिक होती है, यानी कि थोड़ी अंदर से खाली होती है। और ये सैक लगे हुए एयर सैक, ये एब्डोमिनल एयर सैक है, ये लंग्स है, ये लंग्स हैं दो, ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर, और ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पाँच, ये छः, ये इनके एयर सैक है, और यहाँ पर एयर सैक है, ये रहे, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर जो हमें
टू ब्रीथ यानी के बर्ड टेक टू ब्रीथ टू मूव एयर कंप्लीटली थ्रू द सिस्टम ऑफ द लंग्स एंड एयर सैक. पहली ब्रीथ में फ्रेश एयर इनटू द पोस्टीरियर एयर सैक ऑफ द लंग्स. पहले पूरी ऑक्सीजन गैस अंदर आती है और अगर यहाँ पहले से मौजूद है तो वो आगे बढ़ जाती है, यहाँ आ जाती है. फिर उसके बाद सेकेंड ब्रीथ में इंटीरियर सैक एंड देन आउट ऑफ द बॉडी. और फिर सेकेंड ब्रीथ में अगर गैस यहाँ नहीं है और यहाँ भर गई है कार्बन डाइऑक्साइड भर गई तो उसको फिर बाहर वापस पुशअप किया जाता है. तो इस तरह से दो ब्रीथ ली जाती है और दिस वन वे फ्लो ऑफ एयर इनेबल बर्ड टू फ्लाई और एल्टीट्यूड विदाउट एनी शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन एज द एयर इन द लंग्स इज ऑलवेज ऑक्सीजन रिच. और ऑक्सीजन जो लंग्स में मौजूद है वो बाकायदा तौर पर बार बार इसको जो ऑक्सीजन आ रही है ना तो उसमें कंटिन्यूसली लगती है, यानी बीच में कहीं ड्रॉप नहीं हो पाएगी क्योंकि गैस भर रही है और भर कर काम कर रही है. तो कुछ गैस का हिस्सा स्टोर हो रहा होता है आगे पीछे सैक में लंग्स में और वो इसको डिसकनेक्ट नहीं करने देता ताकि ये फ्लाइट के दौरान मेटाबॉलिज्म कहीं भी शॉर्ट ना हो, उनको सांस ना फूले. हम और आप भागते दौड़ते हैं तो हमें सांस फूल जाता ना क्योंकि हमें एयर सैक नहीं है, हमारे पास स्टोरेज नहीं है कोई भी गैस का. कंप्लीट वेंटिलेशन ऐसे प्रोसेस को जिसमें गैस पूरी अंदर तक आती है ऑक्सीजन और फिर उसको कंप्लीटली एम्प्टी किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड से, तो उसे कहा जाता है कंप्लीट वेंटिलेशन. ठीक है. एक्सपायरेशन स्टर्नम इज रेज्ड, स्टर्नम ऊपर की तरफ उठता है, एयर सैक कंप्रेस्ड होते हैं और देन लंग्स ओपन एंड फॉर्म द इंटीरियर एयर सैक मूव इनटू ब्रोंकियस और ब्रोंकियस से नोस्टिल से होती बाहर. ट्रैक वही होगा, जाहिर सी बात है. अब यहाँ से वापसी निकली गैस, यहाँ से यूं होती हुई और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकली. जिस तरह से ऑक्सीजन इन किया था यहाँ तक, ठीक है जी, इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकलती. तो ये दोनों अलग अलग रास्ते पर, ये एक साइड व्यू आपको दिखाया ताकि अंदाज़ा हो जाए कि एयर सैक जो होते हैं हवा की थैलियाँ वो आपको कहाँ कहाँ इसके बॉडी में नज़र आ सकती हैं और ये इसके वेट को लूज़ करने में और ऑक्सीजन को ज़्यादा क्वान्टिटी एब्जॉर्ब करवाने में मदद देगी. ठीक है जी, ये हमारा हो गया रेस्पिरेशन इन बर्ड्स. डिफरेंस पूछा जाता है आपसे, राइट द डिफरेंस बिटवीन कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट वेंटिलेशन. ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा सा और हम बात करते हैं अपनी इंसान की वेंटिलेशन या रेस्पिरेशन में. और इंसान का रेस्पिरेशन का सवाल दो तरह से आपसे पूछा है. कभी कभी आपसे बोला जाता है भाई डिफाइन द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन, डिफाइन द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन विद डायग्राम. ये कभी कभी सवाल आपको नजर आएगा और जो यूजुअली सवाल हमें नजर आएगा तो वो कहा जाता है डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन इन मैन. ये सवाल आपको कई बार फाइव ईयर में नजर आएगा मैकेनिज्म के लिए. ठीक है, तो अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम आप बता रहे हैं तो आपने वो एयर पैसेज जो गैस आती है और आकर लंग्स तक कैसे पहुंचती है वो दिखा रहे हो. एयर पैसेज बोल दें आपसे या रेस्पिरेटरी सिस्टम बोल दें तो आपको ये बात बता दें. इंटीरियर रेज आर द ओपनिंग इनटू द नोस्ट्रिल्स, दे ओपन इनटू द पोर्शन ऑफ नोज. हमारी जो नोज की कैविटी है ना, सो नेजल कैविटी भी कहते हैं, नोज भी कहते हैं. तो ये बाहर जो सुराख है नथने, उर्दू में नरेज जो है उनको नथने कहते हैं और ओपनिंग का अंदर का हिस्सा उसको नोस्ट्रिल कहते हैं.
दोनों डिफरेंट क्वेश्चन है, दोनों के आंसर भी डिफरेंट है। पहले का आंसर ये अभी हम चल रहा रहे हैं, और जब ये खत्म होगा तो बता दूंगा मैं कि पहले का आंसर रखा हुआ। पहले के आंसर में आपने सिस्टम के बारे में बताना है, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन के बारे में। दूसरे में आपने मैकेनिज्म बताना है, तो मैकेनिज्म वाला जो है वो आमतौर पर उसके साथ कुछ और भी दे दिया जाता है, छोटा मोटा कोई क्वेश्चन बनाकर उसके साथ अटैच कर दिया जाता है। ठीक है जी। फिर हमारी नेजल कैविटी इज लाइंग इंटरनली बाय वेस्कुलराइज्ड सीलिएटेड एपिथीलियम। हमारे नाक के अंदर सीलिया मौजूद होते हैं एपिथीलियल लेयर में, यानी अंदरूनी लेयर में। कंटेनिंग म्यूकस सिक्रेटिंग सेल, हेयर्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन नेजल कैविटी। यहाँ पे बाल भी होते हैं और यहाँ पर म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स भी होते हैं जो म्यूकस निकाल रहे हैं। बड़े मजे की बात है कि उर्दू में आप इसको भी नाक ही कहते हैं, वो जो नाक बहती है जिसको कहते हैं आप, तो वो असल में म्यूकस निकल रहा होता है। जैसे नजला जुकाम हो रहा होता है तो नाक बह रही होती है, निकल रही होती है। माशाल्लाह से सारे बच्चे हमारे एक्सपर्ट हैं, और इनमें से सब बच्चों को पता होगा कि उस नाक का जायका क्या होगा। बचपन में वो बच्चे हमारे उसको टेस्ट करते हैं, याद है अपना बचपन जब नाक निकलती थी तो मुंह में चले जाती थी सीधी, है नहीं ईशा? तुम्हें याद नहीं हो? अम्मी से पूछता बेटा, अम्मी से या अबू से, सब बताएंगे तुम लोग किस तरह के थे बचपन में और कैसे वो नोजी तुम्हारी नुमारे ही माउथ कैविटी में चले जाती थी, और बड़े मजे से लेकर आप उसको स्वीप किया करते, है ना? तो ये म्यूकस आपका ही है, इसमें कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है भाई। सेकंड क्वेश्चन हम दोबारा बताएंगे आपको जब हम सेकंड क्वेश्चन पहुंचते हैं, उसके आंसर में फिर बताते थे, कोई टेंशन नहीं ले। वैभव ने पूछा है सेकंड क्वेश्चन, ठीक है जी। तो ये म्यूकस, असल में ये म्यूकस बड़े इंपॉर्टेंट है, बड़े काम का है। हमारे नाक के बाल बड़े काम के, हमारे नाक में सीलिया बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस म्यूकस को बेकार ना समझिए या गंदा ना समझिए, ये गंदा नहीं है, ये साफ है। जब तक नाक के अंदर, नाक से बाहर निकलेगा तो गंदा होगा। जैसे खून आपका है ना, हमारा तो हमारा खून अगर बॉडी के अंदर है तो वो साफ है, पाक है। लेकिन खून अगर किसी चोट से बाहर निकल आया, कट लग गया है, कुछ और हो गया भाई, तो वो बॉडी से बाहर निकल आया तो वो खून गंदा हो जाता है, नापाक हो जाता। थूक हमारे मुंह में, गले में सलाइवा, पता आपको 1 लीटर सलाइवा आप रोज पी रहे हैं, ड्रिंकिंग ऑफ सलाइवा 1 लीटर ऑन डेली बेसिस, रोजाना की बुनियाद पर आप अपना ही पीते हैं, और ये ना हो तो आप खा भी नहीं सकते। इसी तरह नाक अगर खुश्क हो जाए, ड्राई हो जाए नोज, तो आप सांस नहीं ले सकते। ये गीला रहेगा तो सांस ले सकेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट काम इसका सीलिया के साथ और एयर के साथ वो होता है फिल्ट्रेशन ऑफ एयर, हवा को साफ करना। नक्सीर क्यों होता है जी, ईशा ने पूछा। नक्सीर बेटा एक अलग चीज है, वो हमारे एक वेन है नाक के अंदर, वो जो कुछ लोगों में कमजोर होती है या अगर नाक पे चोट लगे तो वो खुल जाती है, या कुछ लोगों में वो गर्मी की वजह से जो है वो नक्सीर फूट जाती है पूरी और नाक में से खून निकलने लग जाता है। वो नाक की वेन है ना, नेजल वेन है, और वो थोड़ी सी नाजुक होती है। ठीक है। द सीलिया प्रेजेंट इन द नेजल कैविटी फिल्टर द डस्ट पार्टिकल फ्रॉम द एयर, द सिक्रीशन ऑफ द ग्लैंड्स इंटैगल द डस्ट पार्टिकल। वो सीलिया जो होते हैं वो नेजल कैविटी में इसीलिए मौजूद है कि जब हम सांस ले रहे हैं तो नेजल कैविटी में हवा के साथ मट्टी वगैरह, धूल, कचरा, ये सब जा रहा है, इसे फौरन पीछे धकेला जाता है, और धकेलने पर वो बाहर तो नहीं निकलवाएगा, तो वो हमारे इसी म्यूकस में क्या हो जाता है, चिपक जाता है और बॉडी से अंदर नहीं जा पाता। मॉइस्चर द एयर, एयर को मॉइस्ट करने के लिए भी, द एयर वाइल पासिंग थ्रू नेजल कैविटी गेट्स मॉइस्चर फ्रॉम द म्यूकस मेम्ब्रेन। तो म्यूकस मेम्ब्रेन से जो लिक्विड निकल रहा है वो हमारी हवा को मॉइस्चर प्रोवाइड कर रहा है। हवा खुश्क गले में नहीं जाएगी या लंग्स में नहीं जाएगी, बल्कि वो गीली होकर जानी चाहिए। गीली से मुराद पानी की तरह नहीं, बल्कि उसमें मॉइस्चरिंग मौजूद।
रेगुलेट्स टेम्परेचर, रेगुलेट्स टेम्परेचर में हमारी नेजल कैविटी इसीलिए बनी है, नाक या तो ये अंदर होता अब हमारे बाहर है, तो ये बाहर नाक इसलिए है कि इस कैविटी में जब ऑक्सीजन गैस आए तो वहाँ टेम्परेचर को ऑक्सीजन को बराबर कर दिया, जो हमारा बॉडी लेवल है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वो हल गले में जाने से पहले या आगे बढ़ने से पहले उसको सेम टेम्परेचर पर प्रोवाइड करते हैं, वरना ठंडी गैस अगर अंदर जाएगी तो लंग्स ड्राई हो जाएगी, लंग्स खुश्क हो जाएगी। इसके अलावा हमारे नाक में स्मेल ग्लैंड्स या सेंसरी सेल्स होते हैं जो खुशबू या स्मेल को, बदबू को आपके सेंस कर रहे होते हैं, आप बता रहे कीमो रिसेप्टर्स होते कहलाते हैं, कीमो केमिकल वाले, ठीक है। तो ये बातें आपने इसमें डाल दी, अब आपकी गैस ऑक्सीजन आगे बढ़ी और इंटरनल नॉस्टल्स, द एयर देन लीड्स थ्रू द इंटरनल नॉस्टल इनटू द फैरिंग्स। इंसानी ढांचा आपने देखा होगा, खोपड़ी इंसान की तो आपने देखा होगा, उसमें नाक तो है ही नहीं, क्योंकि वो नाक हमारा जो है वो कार्टिलेज है, हड्डी नहीं है, तो नाक पे ढांचे के आपको दो सुराख नजर आ रहे होंगे, वो हड्डी में सुराख है, उन्हें आप इंटरनल नॉस्टल कहते हैं, अंदरूनी नथने, और वहां से कनेक्शन हमारा फैरिंक्स में चला जाता है। फैरिंक्स हम कहते हैं उस पार्ट को जहां पर दोनों कॉमनली पैसेज फॉर फूड एज वेल एज एयर, द ओपनिंग ऑफ नॉस्टल इनटू फैरिंक्स इज गार्डेड बाय सॉफ्ट पैलेट, इन दोनों को महसूस करने के लिए खाना हवा को पैलेट लगा हुआ, तालू जिसे आप कहते हैं वो पैलेट लगा हुआ। फैरिंक्स हम एक जॉइंट को कहते हैं, एक ओपनिंग को कहते हैं, उसके बाद आगे एसोफेगस और लैरिंग्स बन जाता है। एसोफेगस खाने की नाली का पहला हिस्सा, लैरिंग्स हमारी सांस की नाली का पहला हिस्सा, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, ये हमारी नेजल कैविटी है, ठीक है, ये ओरल कैविटी है ये वाला, और ये सीधी आ रही है यहाँ फैरिंक्स में, यहाँ पर हमारे पास ग्लॉटिस और एपिग्लॉटिस है, फिर ये लैरिंक्स अलग हो जाएगा। अब हमने सिर्फ यहाँ लैरिंक्स को देखा, लैरिंक्स गले में या नेक में आपके छोटा सा पार्ट है जहाँ से आवाज़ भी बनती है हमारी, आवाज़ कट रही हो वैभा को तो तुम्हारा नेट स्लो हो गया होगा बच्चे, ठीक है जी। तो ये जो लैरिंग्स है वहाँ जैसे ही कार्टिलेज शुरू हो जाती है, ट्रैकिया कार्टिलेज वाली गोल गोल रिंग वाली ट्यूब आ जाती है, इसे हम ट्रैकिया कहते हैं, इसके साथ पीछे की तरफ एसोफेगस होती है खाने की नाली से कहते हैं, ठीक है। ट्रैकिया इज लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एंड रन्स डाउनवर्ड ऑन वेंट्रल साइड ऑफ एसोफेगस, एसोफेगस के वेंट्रल साइड पर, यानी ऊपर एसोफेगस होगी नीचे ये होगी, सामने से नजर आ रही तो एसोफेगस पीछे की तरफ, इट बेयर्स सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग विच प्रिवेंट इन फ्रॉम कोलैप्सिंग ड्यूरिंग ड्रॉइंग एयर, आप सो रहे हैं जाग रहे हैं खा रहे हैं पी रहे बेहोश हो गए हैं ना करे, तो आपका ये पैसेज हमेशा खुला रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ये कार्टिलेज लगी हुई है हड्डी की तरह, नर्व हड्डी जो आप कहते हैं, तो ये रिंग जो लगे हुए वो कार्टिलेज के हैं, तो ये आपकी सांस की नाली को बंद नहीं होने देंगे। खाने की नाली में ये नहीं होते, वो मस्कुलर होती है, तो खाने की नाली में जब भी खुले जब खाना खाना, खाना नहीं खा रहा है तो खाने की नाली बेशक बंद पड़ी रहे कोई मसला ही नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है, लेकिन इसमें सांस की नाली में आप चाहे कुछ भी कर रहे हो आपको सांस तो लेना ही, तो इसीलिए यहाँ पर ट्रैकिया में कार्टिलेज लगे। अब इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर मौजूद है, इट्स इंटरनल लाइनिंग इज सीरिएटेड एंड बेयर म्यूकस सिक्रेटिंग गोबलेट सेल, गोबलेट सेल कहते हैं जो सिक्रेशन कर रहे हैं ना म्यूकस का, चिकनाई का, लिक्विड का, उन्हें वो भी यहाँ इसके इंटरनल साइड पर मौजूद होते हैं, किसके ट्रैकिया, और ट्रैकिया में सीलिया भी लगे। Due to mucus and upward breathing of cilia, any residue of dust and germs are always pushed outside the trachea into the esophagus.
तो यहाँ पर अगर जो नाक के रास्ते जब हमारी गैस अंदर दाखिल हुई है, अगर उसमें कोई डस्ट पार्टिकल आ गया है इत्तफाक से, तो वो यहाँ एंटर नहीं होने दिया जाएगा और यहाँ से उठाकर उसको वापस ऊपर फेंक दिया जाएगा। सीलिया उसको फेंक रहे हैं ऊपर, किसी हाल में भी कोई डस्ट पार्टिकल हमारे सांस या लंग्स में नहीं जाना चाहिए। ठीक है जी, फिर हम चलते हैं। इसके दो पार्टीशन हो जाते हैं, ट्रेकिया के और दैट इज कॉल्ड ब्रोंकिया। ट्रेकिया एट इट्स लोअर एंड बाइफर्केट इनटू टू स्मॉलर ब्रांचेस कॉल्ड ब्रोंकिया। यहाँ से नजर नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पर हम अभी आपको दिखा दें तो नजर आ जाएगा। यहाँ से लंग्स के अंदर जो है वो अब इसकी ब्रांच भी बन जाती है और वो लंग्स में जाकर ओपन होती है, एक इधर और एक इधर। तो ये जो ब्रांच है बाइफर्केट, बाइफर्केट दो शाखा दो ब्रांच बनाने वाली, तो इसे आप कहते हैं ब्रोंकियाई। ठीक है, ब्रोंकियाई आगे बढ़ती है, ई ब्रोंकस, ब्रोंकस सिंगल को कहेंगे, ब्रोंकियाई प्लूरल को कहेंगे। लीड्स आई इनटू लंग्स ऑफ इट्स साइड, और दो राइट हैंड वाली है वो राइट हैंड पर लंग्स में हवा पहुंचाएगी और लेफ्ट हैंड वाली लेफ्ट हैंड साइड पे लंग्स को हवा पहुंचाएगी। ब्रोंकियाई आर आल्सो सपोर्टेड बाय सी कार्टिलेज रिंग इन देयर वॉल्स अप टू पॉइंट वेयर दे आर एंटर इनटू द लंग्स। तो जहां तक लंग्स के अंदर दाखिल नहीं हो रही उस वक्त तक इसमें कार्टिलेज होते हैं, थोड़ा अंदर भी होते हैं। अगर आपने कभी एक्सपेरिमेंट करना हो तो कुर्बानी के दिनों में जानवर जब ज़िबा करते हैं, कोई भी बकरा या गाय आप लोग, तो उसके लंग्स जब निकालें तो वो आप चेक कर सकते हैं। तो ब्रोंकियाई जो है वो अंदर थोड़ी सी लंग्स गई होती, बहुत ज़्यादा नहीं थोड़ी सी अंदर गई होती है, और फिर वो फर्दर डिवाइड हो जाते हैं बहुत बारीक लाइन, उन बारीक सी लाइनिंग को ब्रोंकियोल्स कहते हैं। इनसाइड ईच लंग ईच ब्रोंकियस डिवाइड इनटू वेरी फाइन ब्रांचेस कॉल्ड ब्रोंकियोल्स। ट्रैकिया से ब्रोंकियाई बना, ब्रोंकियाई से ब्रोंकियोल्स बना, और ये ब्रोंकियोल हमारे जाकर एंड होगा इनका ईच एयर सैक पर। ईच ब्रोंकियोल्स टर्मिनेट एट अ टिनी छोटे से हॉलो हेलो नहीं है हॉलो सैक लाइक एल्वियोलर डक्ट कंटेनिंग अ नंबर ऑफ एयर सैक और एल्वियोलाई। तो ये जाकर छोटे छोटे सैक में छोटी छोटी थैलियों में खुलेंगे जिन्हें हम एयर सैक कहते हैं। असल में दर हकीकत एयर सैक ही है हमारा, ये है जी एयर सैक, ये आगे ब्रोंकियोल्स और ये जाकर खुल रही है हमारी हवा की थैलियाँ, ये एक दो तीन चार ये छोटी छोटी थैलियाँ लगा रही, ये हमारी एयर सैक है जिनको हम एल्वियोलाई कहते हैं। और इनके ऊपर पल्मोनरी आर्टरीज आपको नजर आ रही है ब्लू कलर की और पल्मोनरी वेन नजर आ रही है रेड कलर। ठीक है, ये पूरा नेटवर्क होता है इनके ऊपर, इसीलिए हमारे लंग्स पिंक नजर आएंगे। जब आप बात करें लंग्स की बात करें तो लंग्स में आपको थोड़ा सा देखने पर अगर गौर करें हम किसी भी एनिमल का लंग्स लेकर मैमल का, तो वो तकरीबन हमसे मिलता जुलता है, ये साइज वाइज में फर्क होगा बाकी तकरीबन सेम ही होता। लंग्स आर पेयर्ड कोन शेप, थोड़े से कोने निकले हुए होते हैं यहाँ पर निकले हुए हैं। स्पंज अब देखेंगे दबाकर तो स्पंज की तरह होंगे, इसमें लिक्विड भरा होता है। हाईली वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर, वेस्कुलर स्ट्रक्चर है। दे आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी विच इज बाउंड ऑन द साइड बाय रिब्स एंड देयर मसल्स। ये चेस्ट कैविटी है, यहाँ पर ऊपर इसके हमें याद है कि रिब के जो जो इसको एक तो मूवमेंट में मदद देगा, दूसरा इसकी हिफाजत भी करेगा, क्योंकि लंग्स और दिल यहाँ पर है, ये दोनों वाइटल ऑर्गन है, इन दोनों की हिफाजत हमारा रिब केज करता है। बाय फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी इज फॉर्म्ड अ मस्कुलर पोर्शन कॉल्ड डायफ्राम। ये जो पर्दा हल्का सा नजर आ रहा है आपको दैट इज कॉल्ड डायफ्राम, ये वाला जो मस्कुलर, इसे हम डायफ्राम कहते हैं। मैमल का करेक्टर है कि मैमल में डायफ्राम मौजूद है। द राइट लंग इज पार्टिशनेटेड इनटू थ्री लोब्स व्हाइल द लेफ्ट लंग इनटू टू लोब्स। ये दिखा देते हैं आपको कि अल्लाह ताला ने आपको
जो है वो लंग्स में पार्टीशन बना दिए हैं, ठीक है, और पार्टीशन बनाने की भी वजह बनती है। अगर हम बायोलॉजिकल देखें तो हमारा जो उल्टा वाला लंग्स है उसमें तीन लोब्स मौजूद है, तीन पार्टीरे ये कट कर रहा है, यहाँ से युवा के जा रहा है, एक ये कट हो गया, इसी तरह ये यहाँ पर एक कट लगा हुआ, कट से मुराद है ये पूरा लोब है, अलग अलग पीस है। तो ये लोब्ड बनने का मकसद ये है कि आपका अगर किसी वजह से ये लोब खराब हो जाए तो बकिया लंग्स काम करते रहे, वो पार्टीशन खराब हो काम के काबिल ना, बहुत पुराना लंग्स हो गया तो यहाँ पर डिपोजिशन हो गई डिफरेंट चीज़ों की, तो पूरा लंग खराब ना हो, एक छोटा सा पार्ट ही खराब। ईच लंग इज इनक्लोज बाय टू थिन मेम्ब्रेन नोन एज प्लूरल मेम्ब्रेन, इसके ऊपर बहुत बारीक सी कवरिंग होती है जिसको प्लूरल आमतौर पे हमारे लंग्स की बात की जाती है, प्लूरल कहा जाता है। विद इन द प्लूरल मेम्ब्रेन देयर इज अ फ्लूइड फिल्ड नैरो कैविटी कॉल्ड प्लूरल कैविटी, अब उनके दरमियान एक खाली गैप बन जाता, उस गैप को प्लूरल कैविटी कहा जाता है, जिसके अंदर फ्लूड मौजूद है, लिक्विड मौजूद है, दिस फ्लूड एक्ट एज अ ल्यूब्रिकेंट, ल्यूब्रिकेंट कहते हैं आप ऑयल डालते हैं ना गाड़ी के इंजन में, तो वजह क्या होती है ताकि गाड़ी का इंजन आपका घिसे ना, उसके जो पार्ट्स हैं वो अगर विदाउट ऑयल आप गाड़ी इंजन चलाएंगे तो इंजन बड़ी जल्दी बंद हो जाएगा, क्योंकि उसके पार्ट जो है वो घिसेंगे एक दूसरे के ऊपर और वो ख़राब हो जाएंगे। इसी तरह लुब्रिकेंट यहाँ पर फ्लूड मौजूद है तो हमारे इस लंग्स के जो काम करने की सलाहियत है वो ख़राब नहीं हो पाती चिकनाहट की वजह से। Alveoli are considered as the respiratory surface of lungs, जिसकी बात हमने पहले भी की थी आपसे, कहा था कि 700 million alveoli हैं हमारे lungs में, और अगर इनको हम खोल लें, ये कि खाने को खोलें और सीधा करते जाए तो इसकी जो मेजरमेंट कर लेते हैं हम, तो वो मेजरमेंट करने पर पता चलता है कि हमारी बॉडी का 20 गुना लंबा ये मौजूद है अंदर, और एक टेलीस्कोप के ग्राउंड के बराबर है ना, तो एल्वियोलाई इतने सारे मौजूद है, और उसकी वजह क्या थी, उसकी वजह थी कि ये हमारा रेस्पिरेटरी सरफेस है, और रेस्पिरेटरी सरफेस जो होता है वो हमेशा बॉडी से दुगना दुगने से भी बड़ा होना चाहिए। A single alveolus is composed of single layer of epithelial cells with a slightly larger diameter than the blood capillary. अब इनके अंदर ये दरअसल एक सिंगल सेल से बने गए, epithelial cell के एक छोटे सेल्स हैं उनसे बने गए, और इनका डायमीटर हमारी ब्लड कैपिलरी से थोड़ा सा बस फर्क आता है। ब्लड कैपिलरी ब्लड की आ रही है, आर्टरी आ रही है, फिर ये फर्दर डिवाइड होकर आर्टियोल बनाएंगे, और ये आर्टियोल जो है वो हर एक आप देख रहे हैं यहाँ पर भी एक एक एल्वियोलाई के ऊपर इन्होंने नेटवर्क बनाया है। ईच एल्वियोलाई इज सराउंडेड बाय एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, इनके ऊपर खून की नालियों का पूरा नेटवर्क है, पूरा जाल मौजूद है। द इंटरनल एरिया ऑफ एन एल्वियस इज प्रोवाइडेड विद अ थिन लेयर ऑफ फ्लूइड कंटेनिंग सरफेस, अब इसके अंदर भी जो है वो खाली नहीं छोड़ा हुआ कि ये गैस भरने के लिए, यहाँ पर भी लिक्विड, इसके अंदर यहाँ भी लिक्विड मौजूद है, सरफेक्टेंट हम इसे कहते हैं, और ये काम करेगा ताकि गीली रहे हमारी गैस है। इट रिड्यूस द इंटरनल सरफेस टेंशन टू प्रिवेंट इट फ्रॉम कोलैप्सिंग ड्यूरिंग गैस और ये गैस एक्सचेंज के दौरान इनको सुकड़ कर एक दूसरे से चिपकने से रोकेगा। भाई ये कोई गोल चीज़ है ना, गोल चीज़ जब पुशअप करेगी किसी चीज़ को बाहर निकालेगी तो दबेगी ना, तो दब कर पता चलेगा ये आपस में एक दूसरे से मिल गया, गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए इसमें लिक्विड भरा सरफेक्टेंट, वो इनको आपस में जुड़ने नहीं देता, रोक के रखता, एक दूसरे को थोड़ा सा फासला रखता।
ठीक है. इट इज द साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, यही असल में यहीं पर गैस जो है वो यहाँ से ट्रैक से होती हुई लंग्स में और लंग्स से फिर एल्वियोलाई में आती है और यहाँ पर गैस एब्जॉर्ब की जाती है और गैस में से यानी ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है. ठीक है जी, ये हो गई हमारी अभी बात और इस बात को लेकर हम चल रहे हैं अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन पर. ठीक है, तो यहाँ तक आपका अगर बात आप उसको ऐड कर भी दें तो कोई मसला नहीं है. आखिर में यहाँ तक जो एल्वियोलाई आपने बताई, यहाँ तक आपका पहला क्वेश्चन का आंसर पूरा होता है जिसको आपने कहा था डिस्क्राइब द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन. तो ये आपका आंसर पूरा होता है और फिर हम उसमें चाहे तो आप हमें एक दो लाइनें और लिख सकते हैं कि जी हमारे पास नेगेटिव ब्रीथिंग होती है या हमारा मैकेनिज्म टू तरह से टू वेज में टू डायरेक्शन में काम कर रहा होता है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, उसको डिफाइन करना. ठीक है, अब दूसरा सवाल आपसे पूछा जाता है कि डिस्क्राइब द, अभी किसी ने पूछा था ना भाई वो नोट कर ले, डिस्क्राइब द ब्रीथिंग मैकेनिज्म ऑफ, डिस्क्राइब द ब्रीथिंग मैकेनिज्म ऑफ मैन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. ठीक है, तो डायग्राम के साथ आपने ब्रीथिंग मैकेनिज्म बताना. तो ब्रीथिंग मैकेनिज्म में आप अब रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हमने अभी एल्वोलस तक पढ़ा था वो आपने डिफाइन नहीं करना. आप चाहें तो उस पर टच दे सकते हैं सर, क्योंकि हमारे रेस्पिरेशन के लंग्स हैं, ट्रैकिया क्या है, ब्रोंकियल है, ये है वो, वहाँ से बस एक दो लाइनों में उनके बारे में कुछ नहीं बता रहे. फिर आप नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग होती है मैन में, मैन इंक्लूडिंग हो तो मैमल ब्रीथिंग इज टर्म एज नेगेटिव प्रेशर. नेगेटिव प्रेशर का मतलब क्या होता है कि एयर इज ड्रॉन इन टू द लंग्स ड्यू टू द डिक्रीज इन प्रेशर इन थोरेसिक कैम्बर इन रिलेशन टू द एटमोस्फेरिक प्रेशर. भाई आपने कहीं गैस भरनी है किसी चीज में, मिसाल के तौर पर एक सिलेंडर है उसमें ऑलरेडी गैस भरी पड़ी है, अब आपसे कहा जाए सिलेंडर में गैस डालें तो आप डालना शुरू करें, पहले आपने प्रेशर बढ़ाया और सिलेंडर ही फट गया. तो हमारे पास जो ब्रीथिंग होती है ना वो नेगेटिव प्रेशर के थ्रू होती है, यानी लंग्स में प्रेशर कम होता है थोरेसिक कैविटी की वजह से और गैस का एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होता है. तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि बाहर से गैस अंदर आ जाती है और दूसरे नतीजे में जब हम उसको फोर्स करते हैं तो वो बाहर की तरफ गैस को निकाला जाता है. यही हमारा मैकेनिज्म चलता है. तो इसमें हम इनहेल अंदर या इंस्पायरेशन गैस का अंदर खींचना पहला हिस्सा, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन एक्सटर्नल इंटरनल कॉस्टल मसल ऑफ रिब कॉन्ट्रैक्ट एंड पुश द रिब अपवर्ड. ये जो है ना ये रिब है हमारी, है ना, ये रिब है. आपने वो खाया चापे, खाई चापे बकरे की या गाय की, तो इनके बीच में गैप होता है, मसल्स होते हैं, खाली हड्डियां तो नहीं है, है ना, खाली हड्डियां तो नहीं है, इनके बीच में मसल्स भी होते हैं. अब ये भी हड्डियां हैं, ये एक दो तीन चार पाँच छः, ये भी, तो इन सब के दरमियान में मसल्स होते हैं. उन मसल में दो टाइप मसल्स, एक अंदर की साइड पे एक बाहर की साइड. तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, बाहर वाले मसल्स की, एक्सटर्नल कॉस्टल मसल्स. तो जो यहाँ मसल्स हैं मौजूद इन गैप्स में, हड्डी टू हड्डी, बोन टू बोन, उसमें जो मसल मौजूद है उसको आप कॉस्टल मसल कहते हैं और जो ऊपर की साइड पर है उन्हें एक्सटर्नल कॉस्टल या एक्सटर्नल इंटरनल कॉस्टल मसल. ये जब श्रिंक करेंगे या कॉन्ट्रैक्ट करेंगे
तो हमारी कैविटी को खोल देंगे ऊपर की तरफ, उठ रहा है चेस्ट, ठीक है। एक्सपायरेशन में इसका उल्टा होगा, अभी दिखाते हैं। एट द सेम टाइम द डायफ्राम स्ट्रेच एंड बिकम फ्लैट, और ये डायफ्राम जो है ये नीचे ये भी जाएगा, ये स्ट्रेच होकर थोड़ी सी फ्लैट या चपटी हो जाती है, सही ये हो गई चपटी हो गई, जगह बड़ी हो, जगह बड़ी करने के लिए कैविटी को बड़ा किया जा रहा और इसको फुलाया जा रहा। जब ये फूलेगी तो ऑटोमेटिकली लंग्स खुद ही कम प्रेशर की वजह से फूलना शुरू होगा। दीज टू एक्शन इंक्रीज द इनर वॉल्यूम ऑफ चेस्ट लाइन, इन दो एक्शन की वजह से डायफ्राम के फ्लैट होने से और इंटरनल एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने से हमारी जो चेस्ट कैविटी है उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। वॉल्यूम बढ़ने से हमारा लंग्स का प्रेशर कम हो जाता है। टू फिल दिस वैक्यूम द एटमॉस्फेरिक एयर मूव्स इनटू द लंग्स विद द रिजल्ट दे एक्सपेंड। तो अब ये जो इंटरनल बॉडी के लंग्स में प्रेशर कम हो गया है उसकी वजह से यहाँ बाहर से गैस अंदर दाखिल हो जाती है, क्योंकि बाहर प्रेशर ज़्यादा अंदर कम तो गैस अंदर दाखिल हो जाती है। जबकि एक्सपायरेशन में हमें एनर्जी खर्च करनी पड़ती है थोड़ी ज़्यादा, और इंटरनल कॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिमूव बैक टू देयर नॉर्मल पोजिशन। अब जो इसके अंदर की तरफ, ये तो बाहर ऊपर पर सर जो अंदर है गोश का अंदरूनी हिस्सा, वो वाले अब कॉन्ट्रैक्ट हुए, बाहर वाले रिलैक्स हो गए। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने चेस्ट कैविटी को सुकेड़ दिया, छोटा कर दिया, इसके बिल्कुल उल्टा काम कर रहे होते हैं आप एक्सपायरेशन में। सेम टाइम डायग्राम रिलैक्स एंड मूव अपवर्ड रिज्यूम टू डोम लाइन, ये डोम लाइन। अब इसने कैविटी को छोटा कर दिया नीचे से भी, और इन्होंने जब ये सुकड़े तो इन्होंने कैविटी को वॉल्यूम को और कम कर दिया। वॉल्यूम कम हुआ तो प्रेशर बढ़ गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर हो गया, तो अब ये क्या होगा, यहाँ से गैस निकलकर बाहर निकल जाएगा। दिस इनवर्ड मूवमेंट ऑफ रिम एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ डायफ्राम एक्सर्ट प्रेशर ऑन इनलार्ज्ड लंग्स ड्यू टू विच एयर इज पुश्ड आउट ऑफ देम टू द एटमॉस्फेरिक थ्रू नॉस्टल, और ये गैस बाहर निकाल दे, ठीक है जी। तो ये मैकेनिज्म था हमारा, और मैकेनिज्म में आपको ये याद रखिए कि मे भी इसके साथ ये डायग्राम बनानी होती है, ये तो नहीं जो बुक में बनी है आप वो बना लीजिएगा। अच्छा, बुक में जो डायग्राम बनी है हमारी वो चार है, लेकिन चार में से आपको एक्सहेल और इनहेल की एक एक यानी दो डायग्राम एक पेयर बनाना होगा। पेज नंबर 320 पर आपके पास इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन साइड व्यू दिखाया हुआ और वेंट्रल व्यू दिखाया हुआ, तो आप चाहे तो दोनों वेंट्रल व्यू बना लें या दोनों साइड व्यू बना लें, चारों नहीं बनाने, एक साइड व्यू है जैसे मैंने ये बनाया हुआ, ये वेंट्रल व्यू है, तो आपको ये ऐसी दो डायग्राम बनाई नजर आ रही है, वेंट्रल व्यू एयर इन और एयर आउट वो बना दी, ठीक है जी। तो कोई बात अगर पूछनी है तो पूछ ले, वरना हम फिर हमारी तरफ से तो सबको अल्लाह हाफिज़। CPR क्या होता है जी, CPR में बेटा यही होता है कि CPR में हमारे जो कॉस्टल मसल्स हैं वो काम नहीं कर रहे होते, एक्चुअली कैविटी अपनी जगह घूम जाती है। तो फिर हम यहाँ चेस्ट पर अपने हाथ रख के जो बंदा CPR दे रहा है वो इस पेशेंट के हाथ को भी हथेलियों को यहाँ रखता है दोनों, और अपनी हथेली को उसके ऊपर रखते हुए हल्का हल्का सा पुश करता है छोड़ता है। पुश करने का मतलब है कि वो सांस बाहर निकाल रहा है, और छोड़ने का मतलब है सांस अंदर आना चाहिए। तो ये एक तरह से मदद की जा रही होती है सांस बंद हो जाने की सूरत, और फिर हम यानी 2-4-5 बार उसको पुशअप किया, और फिर हम आर्टिफिशली अपने मुँह के ज़रिए उसके मुँह में गैस डालते हैं, वो कि वो कार्बन डाइऑक्साइड होगी लेकिन वो जाएगी अंदर, तो फेफड़ों को अपना काम करने में मदद मिलेगी।
फेफड़े फूलेंगे, किसी वजह से कोलैप्स हो गए तो फेफड़े फूलेंगे, फूलेंगे और फिर दोबारा सुखड़ेंगे, तो हो सकता है वो फंक्शनली दोबारा अपना काम शुरू कर दें। और ये काम करते हुए दिल की धड़कन भी अगर रुकी हुई है तो वो भी चलना शुरू हो जाएगी। तो ये CPR में किया जाता है। ठीक है जी, बाकी मेरी इधर से जहाँ तक जो जाना है उससे चले जाए, और जो बच्चे हमारे जो सवाल पूछा जल्दी से पूछ लीजिए, फिर हम भी चले।